Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are fine. Welcome to the YouTube channel of LogiGates. In today's lecture, we are going to talk about one-to-one correspondence and inverse of a function. But before starting today's lecture, I request you all to subscribe to my YouTube channel if you have not subscribed yet. इससे पहले मैंने functions पे चार parts already चढ़ा दिए हैं. अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। ये फंक्शंस के टॉपिक का पार्ट फिफ्थ रहेगा एंड होपफुली ये लास्ट पार्ट रहेगा फंक्शंस के टॉपिक का। और कल के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे सो दैट हमें ये आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर. Starting with the definition of one-to-one correspondence, a function f is a one-to-one correspondence or bijection if it is both one-to-one and onto. We also say that such a function is bijective. बहुत ही सिंपल सा केस है जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लाइक one-to-one क्या होता है, onto क्या होता है. इन ही दो कॉन्सेप्ट्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो एक और टाइप ऑफ फंक्शन निकल के आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का सेकंड नेम है बाइजेक्टिव फंक्शन, या कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे खाली आपको ये याद रखना है, इन ऑर्डर टू बी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारी फंक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो वन टू वन भी होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो क्या होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी ही होनी चाहिए. अगर कोई ऐसी फंक्शन होगी जो कि वन टू वन भी होगी और ऑन टू भी होगी तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं. ठीक है, अगर आपको डाउट है कुछ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली है, हम इसको देखेंगे और आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है. बट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपको पहले नॉलेज होगी कि वन टू वन फंक्शन होती क्या है और ऑन टू फंक्शन होती क्या है. इनके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स चढ़ा दिए हैं, आप उनको भी पहले एक बार देख सकते हो इन ऑर्डर टू क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो स्टार्टिंग विद द एग्जांपल नाउ. यहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी. ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं ए बी एंड सी और बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं वन टू एंड थ्री. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन क्या बता रहा है हमें, is it a function, is it a function. So first of all we will check whether it is a valid function or not. Valid function ki definition kya hai, jo bhi pehle set ke a set ke elements honge na unki kya honi chahiye, exactly ek image honi chahiye. Informal definition ki agar hum baat karenge, har ek element se ek arrow bahar jana chahiye. Theek hai, to aap kya kar sakte ho, yahan se bhi ek hi arrow bahar ja raha hai, means a ki ek hi image aa rahi hai, b ki bhi ek hi image aa rahi hai एंड सी की भी क्या आ रही है, एक ही इमेज आ रही है. हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो जो है वो बाहर निकल रहा है. वी कैन से दैट यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ वैलिड फंक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू चेक इज इट वन टू वन. वन टू वन मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो है दो प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए. हमें पता है ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, हर एक ही क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, फंक्शन बन सकता है. ये तो हमें यहां से पता है, यहां से हर एक एरो से हर एक एलिमेंट से क्या जाएगा, एक ही एरो बाहर जाएगा. अब हमें ये वाली कंडीशन यहां से भी अप्लाई करनी है, जो बी सेट है ना, हर एक जो भी बी सेट में एलिमेंट्स है उनकी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक ही प्री इमेज होनी चाहिए. ठीक है, तो आप देख सकते हो वन की भी एक ही प्री इमेज है, टू की भी एक ही प्री इमेज है एंड थ्री की भी एक ही प्री इमेज है. ठीक है, यहां से अगर आप इन एरोज को देखोगे, ठीक है, ये इनकी क्या बन जाती है, प्री इमेजेस बन जाती है. आप सिंपली बोल सकते हो जो भी ए के एलिमेंट्स होने चाहिए ना, उनकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए. ठीक है, तो ए की इमेज क्या आ रही है, टू. ठीक है, और टू किसी और की इमेज नहीं आ रही है. बी की इमेज क्या आ रही है, थ्री, और थ्री जो है ना ये किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है. सी की इमेज क्या आ रही है, वन, तो ये किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं आ रही है. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस. ठीक है,
जब ऐसा केस होगा तो हम क्या बोलते हैं, द फंक्शन इज वन टू वन, ठीक है। तो ये तो वन टू वन भी है। इज इट ऑन टू, ऑन टू को चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था। आप देखो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। कोडोमेन मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वन टू एंड थ्री। और अगर आप देखोगे रेंज, रेंज मतलब हो गया बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, वन की भी एक प्री इमेज आ रही है, टू की भी एक प्री इमेज आ रही है और थ्री की भी एक प्री इमेज आ रही है। तो वन टू एंड थ्री तीनों की प्री इमेजेस आ रही है, दैट मीन्स वन भी हमारे रेंज में आ जाएगा, टू भी हमारे रेंज में आ जाएगा और थ्री भी हमारे रेंज में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट यस इट इज अ वन ऑन टू फंक्शन। ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। जब ये वन टू ऐसी फंक्शन, ऐसी फंक्शन जो वन टू वन भी होगी और ऑन टू भी होगी, तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको हमने एक नया नाम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का सेकंड नेम क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, या कभी कभी हम इसको डायरेक्टली बाइजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद मैंने एक दो थियोरिटिकल पॉइंट्स लिए हैं, वो भी आपको याद रखने की जरूरत है, बिकॉज उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें इतना पता है सिंस द कार्डिनेलिटी ऑफ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनेलिटी ऑफ ए मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ओके, इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू द कार्डिनेलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ वन टू वन फंक्शन, एंड कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू कार्डिनेलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन। हमें इतना पता है वन टू वन के टाइम पे हमने देखा था ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, हमेशा क्या होगा, कार्डिनेलिटी ऑफ ए क्या होगी, लेस आर इक्वलेंट होगी देन द कार्डिनेलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ अ वन टू वन फंक्शन, ओके। एंड इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा क्या होगा, ये वाली कंडीशन जो है हमेशा सेटिस्फाई होगी ही होगी, कार्डिनेलिटी ऑफ ए क्या होगी, ग्रेटर और इक्वलेंट टू कार्डिनेलिटी ऑफ बी, ओके। अब अगर आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, हमेशा फंक्शन तब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकता है या बन सकती है जब कार्डिनेलिटी ऑफ ए और कार्डिनेलिटी ऑफ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल करी थी, अगर आप एक बार इसको भी देखोगे तो यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, इन दिस एग्जाम्पल कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री है ना, कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, थ्री, वन टू एंड थ्री, और बी में भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कार्डिनेलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है, यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ बी भी कितनी आ रही है, थ्री ही आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कार्डिनेलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनेलिटी ऑफ बी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, और तभी ये क्या बन रहा है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कार्डिनेलिटी ऑफ ए और कार्डिनेलिटी ऑफ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या होगी, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। जब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जब फंक्शन वन टू वन भी होगी ऑन टू भी होगी, तभी वो क्या बन सकता है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकता है। और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस के केस में हमेशा एक चीज सेटिस्फाई होगी ही होगी, दैट इज द कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द कार्डिनेलिटी ऑफ बी, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। और ये जो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन है ना, कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल भी बोलते हैं। अब ये इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। इनवर्टिबल मतलब हो गया वो फंक्शन जिसको जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ओके। और इनवर्स तभी हम निकाल सकते हैं जब पहले फंक्शन क्या होगी, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। अगर फंक्शन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी तो हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अ फंक्शन इज नॉट इनवर्टेबल इफ इट इज नॉट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, जो अभी अभी मैं आपको बता रहा था। अगर एक फंक्शन क्या है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी तो हम उसका इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस और द नंबर ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अगर आपको यहां पे बताया जाएगा कि कितने तरीकों से आप यहाँ पे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन बना सकते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या याद रखनी है, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब हो गया एन क्या है, पर एन इज द कार्डिनेलिटी ऑफ ए और बी, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है ए और बी की कार्डिनेलिटी क्या होगी, सेम होगी। चाहे ए की कार्डिनेलिटी अगर सपोज एन होगी, ठीक है, अगर ए की कार्डिनेलिटी कितनी होगी, एन होगी, तो ऑब्वियस ही बात है बी की भी कार्डिनेलिटी कितनी होगी, एन ही होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कार्डिनेलिटी ऑफ ए और कार्डिनेलिटी ऑफ बी आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं, इन इन ऑर्डर टू बी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, यहाँ पे नंबर ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शंस कितनी बन सकती है, दैट इज एन फैक्टोरियल। ओके, देखो एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया, सपोज इन दिस केस एन फैक्टोरियल के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल के बदले क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल, और थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया थ्री से स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन और ले जाओ कहां तक, वन तक। ठीक है, थ्री इंटू टू इंटू वन, जब आप ये करोगे थ्री टू जर कितना हो गया, सिक्स, सिक्स वन जर हो गया सिक्स, तो यहाँ पे कितने वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन दिस एग्जाम्पल, सिक्स। ओके, तो ये सिंपली क्या मतलब हो गया इसका, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ए के पास कितनी चॉइसेस है मैप करने के लिए, ए के पास कितनी चॉइसेस है मैप करने के लिए, पहले देखो अभी तक किसी भी एलिमेंट को हमने कोई भी एलिमेंट असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, ए के पास तीन चॉइसेस हैं, या तो ये इसके साथ मैप होगा, या तो ये वन के साथ मैप होगा, या तो ये टू के साथ मैप होगा, या तो ये थ्री के साथ मैप होगा। मीन्स ए के पास कितनी चॉइसेस आ रही है, ए के पास कितनी चॉइसेस आ रही है, थ्री चॉइसेस आ रही है। ठीक है, ओके, नाउ अब अगर आप देखोगे, सपोज इन तीन चॉइसेस में हम क्या करेंगे, ए को एक चॉइस असाइन करेंगे। सपोज इन दिस एग्जांपल हमने ए को क्या असाइन किया है, टू असाइन किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बी की चॉइसेस की बात करेंगे, बी की चॉइसेस, बी के पास अब कितनी चॉइसेस रह रही है, बी को हम टू के साथ असाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर वो वन टू वन रहेगा ही नहीं। ठीक है, बी को क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो बी के पास कितनी चॉइसेस हैं, बी जो है ना, या तो ये वन के साथ मैप होगा, या तो ये थ्री के साथ मैप होगा, यानी कि बी के पास कितनी चॉइसेस रह रहे हैं यहाँ पे, टू चॉइसेस। ओके, अब सपोज बी को हमने यहाँ पे क्या असाइन कर लिया, ये वाला एलिमेंट अब असाइन कर लिया है, अब सी की चॉइसेस को हमें फाइंड करना है, सी के पास कितनी चॉइसेस हैं, सी को ना हम टू के साथ मैप कर सकते हैं और ना ही थ्री के साथ मैप कर सकते हैं, तो सी के पास कितनी चॉइसेस हैं, खाली एक चॉइस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यही होता है, अब हमें इनका क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट करना है, थ्री इंटू टू इंटू वन, यही हमने यहाँ पे भी किया, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो हाउ मेनी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शंस आर पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर एग्जांपल, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल मीन्स द कार्डिनेलिटी ऑफ एनी सेट इन दैट एग्जाम्पल, जो भी होगी। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ जो ये इनवर्स अब हमें टॉपिक पढ़ना है, ये फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको खाली समझाने की कोशिश करूंगा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, ऑल्दो इसके रिलेटेड बड़े से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उतने बड़े क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टिल जो कल का लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम ऑफ द एमसीक्यूज फ्रॉम द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। होता क्या है, लेट एफ बी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, सपोज दिस इज ओवर सेट ए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज ओवर सेट ए एंड दिस इज ओवर सेट बी। ओके, अब हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां से यहां तक एक ए से लेके बी तक एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, एफ नाम दे दिया है। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, एफ नाम दे दिया। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज द फंक्शन दैट असाइन्स एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू बी टू अ यूनिक एलिमेंट ए इन ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊंगा, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊंगा, सपोज वी हैव टू सेट्स, वन सेट इज लाइक दिस, दिस इज अवर सेट ए
एंड ओवर हियर इज सेट बी, ओके। यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा सेट आ रहा है बी। सपोज यहां पे अगर एलिमेंट है कोई वन और यहां पे एलिमेंट है कोई सपोज ए, ओके। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और फंक्शन को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे किस पे, वन पे, अगर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे किस पे, वन पे, अगर हमने फंक्शन किया अप्लाई वन पे, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें क्या आंसर दे रहा है, वो हमें ए जो है आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे एलिमेंट वन पे, तो वो हमें कहां पे लेके जा रहा है, वो हमें लेके जा रहा है सपोज ए पे, ठीक है। यहां पे मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रख रहा हूं, ओके, ठीक है। अब अगर हमें इसी चीज का इनवर्स फाइंड करना होगा तो बहुत ही सिंपल है। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। इनवर्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इनवर्स, एफ रेज पावर माइनस वन हम लिखते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इनवर्स को डिनोट करते हैं, जैसे कि यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, ओके। अब हमने क्या करना है, इनवर्स का मतलब हो गया, अगर आप ये फंक्शन अप्लाई करोगे, एफ इनवर्स फंक्शन किस पे अप्लाई करोगे, ए पे अप्लाई करोगे, तो वो आपको किसके साथ मैप करवा रहा है, वन के साथ मैप करवा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अगर हम एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे किस पे, ए पे, तो वो हमें कहां पे लेके जा रहा है, वो हमें वन पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया इसका जनरल फॉर्मेट कि हम कैसे लिखते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर एक एलिमेंट ए वन पे हम फंक्शन एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहां पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। अब अगर हम इसी ए पे अप्लाई करेंगे इनवर्स वाली फंक्शन, तो वो हमें कहां पे लेके जा रहा है, वन पे लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनवर्स बनने के लिए पहले फंक्शन को क्या होना चाहिए, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होना ही होना चाहिए, तब वो क्या बन सकता है, तब हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय दिस हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल के लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम, सो दैट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि किस पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।